तो गाइज रॉयल एनफील्ड ने अपनी 2.5 लाख लगभग 2,36,966 गाड़ियों को रिकॉल किया है अपने इग्निशन सिस्टम के फॉल्ट के चलते। अब वो फॉल्ट एक्चुअल में है क्या और इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट, वैसे तो लगभग आधे से ज़्यादा जनता को पता ही चल गया होगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने ऑलरेडी वो न्यूज़पेपर्स और बाकी जो कम्युनिकेशन मीडिया उसमें दे दिया है, बट एक्चुअल फॉल्ट है क्या और क्यों गाड़ियाँ रिकॉल की जा रही है और कौन कौन सी गाड़ियों को रिकॉल किया जा रहा है, क्या आपकी गाड़ी वो 2,36,966 में है, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे पता करना है या आपके पास कोई भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से मेल या मैसेज नहीं आया है तो आपको कहाँ आप उसको चेक कर सकते हो, इन सब की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और आप में से बहुत सारे मित्र जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने 2,36,966 गाड़ियों को जो रिकॉल किया है उसमें सबसे पहले मॉडल है कौन कौन से। आपके पास अगर दिसंबर 2020 से लेके अभी लेटेस्ट तक अगर आपने गाड़ी परचेज़ की है और आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर ईयर दिसंबर 2020 के बाद का है तो ऐसी गाड़ियों को मेनली रिकॉल के लिए मैसेज या नोटिफिकेशन गया है। बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनको रिकॉल का मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं गया हो तो उनके लिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस लिंक में अपनी जो गाड़ी का चेसिस नंबर है वो डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो जितने भी स्टैंडर्ड क्लासिक मॉडल्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, मीटियोर मॉडल्स हैं, आई थिंक कुछ में अभी रिसेंट में हिमालयंस का भी शायद हो सकता है, हिमालयन भी हो, उसका मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आप एक बार उसको लिंक के थ्रू चेक कर लीजिएगा, मे भी शायद उसका भी है। तो ये सारे मॉडल्स जितने भी हैं आफ्टर दिसंबर 2020 के बाद से अभी तक जो चल रहे हैं वो एक बार चेक कर लें। अब बात करते हैं रिकॉलिंग का मेन इशू क्या है। देखिए क्या है कि दिसंबर 2020 के बाद से जितनी भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई हैं तो उसमें एक इग्निशन कॉइल दो वेंडर लगभग अलग अलग बना रहे हैं, तो एक वेंडर के थ्रू क्या हुआ है कुछ ऐसा डिफेक्टिव आइटम आ गया है जो कंपनी की प्रोडक्शन लाइन में आ गया है, लेकिन जब गाड़ी फील्ड में गई है तो उससे कुछ ना कुछ उनको फीडबैक मिला है और उसके बेस पे उन्होंने जो चेक किया है तो उसमें पता पड़ा है कि कुछ गाड़ी में मिसफायरिंग का इशू आ रहा है, कुछ गाड़ी बंद हो जा रही हैं, बैटरी ड्रेन हो जा रहा है या कुछ ऐसा आया है, बहुत सारी कि वायरिंग हार्नेस भी शॉर्ट होने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टू रिमूव दिस, टू अवॉइड दिस, जितनी भी दिसंबर 2020 के बाद की गाड़ियां हैं उनको रिकॉल किया जा रहा है। अब आपकी गाड़ी फॉल होती है यानी इस इशू में, तो मैंने बताया है लिंक है, आप उसमें अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी रिकॉल में है या नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी रिकॉल के लिस्ट में है, जिन गाड़ियों में डिफेक्ट है उन गाड़ियों में लिस्ट में है, तो देखिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी में डिफेक्ट हो, ये केवल रिकॉलिंग प्रोसेस है, ये केवल एक चेक करने के लिए, क्योंकि कंपनी को भी अभी अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी गाड़ी में हमने कौन सा इग्निशन कॉइल लगाया है, किसी गाड़ी में सही है या नहीं है। इट इज़ सब्जेक्टिव कि अगर आप अपनी गाड़ी ले आते तो आपकी गाड़ी में कुछ डिफेक्टिव कॉइल लगा है या नहीं लगा है, इसलिए कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को ख़राब गाड़ी दिया है। एक चांस है कि आपकी गाड़ी में शायद वो डिफेक्टिव पार्ट है वो लग के आया हो और आपको रिकॉल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इंश्योर होना चाहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में वो डिफेक्टिव पार्ट है तो हम उसको रिप्लेस करके आपको नया पार्ट लगा के आपका जो भी डिफेक्टिव पार्ट है उसको हटा देते हैं। और अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए बहुत से कस्टमर्स को जितने भी लगभग जिनकी भी रिकॉलिंग में एक डेटा आया है कंपनी के पास में या कंपनी जिसको भी रिकॉल कर रही है उनको मैसेज या मेल के थ्रू कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोविड को देखते हुए भी आप अगर आपको उसमें लिंक के थ्रू आपका अगर पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी वो रिकॉल में है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे टेलीफोनिकली सबसे पहले कम्युनिकेट करना है। अगर आपका वो लिंक में नाम आ रहा है तो आप अपना चेसिस नंबर उनसे शेयर कीजिए, वो आपको फिर बताएंगे कि फर्दर प्रोसेस क्या करना है। इसमें तीन टाइप से आप अपनी जो डिफेक्ट है सर्विस सेंटर को या कंपनी को बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने लिए ऑन साइट
जो ऑन साइट चेक है वो शेड्यूल करा सकते हैं, जिसमें कि सर्विस सेंटर वाले आपके प्लेस पे जाके वो वहीं पे चेक करेंगे। अगर आपका एरिया जो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो कॉल के थ्रू चेक करवा सकते हैं अपने सर्विस सेंटर से, जो भी वहाँ के स्पेशलिस्ट होंगे आप वीडियो कॉल के थ्रू उनको वो चेक करवा सकते हैं, और वो आपको ऑनलाइन ही मतलब वीडियो कॉल के थ्रू ही बता देंगे कि आपकी गाड़ी को वर्कशॉप में लाने की ज़रूरत है या आपकी गाड़ी ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके एरिया में लॉकडाउन लिफ्ट हो चुका है या थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है और आपके एरिया में वर्कशॉप ओपन हो गए हों, तो सबसे पहले वर्कशॉप में कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं, और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराने के बाद में आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आई होप आपके सारे इस रिकॉल से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका सही सही आंसर देने की। और अगर आपका कोई सजेशन भी होगा मेरे को देने के लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे लगभग 70 से 80% ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ में। आगे और भी वीडियोज़ आएंगे इसी प्रकार के, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का वेट करिएगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।